अथवानी में बंद पड़ी निर्मित गौशाला को खोलने का विरोध करने वाले किसान नेताओं ने घर में गौ रक्षा समिति के पदाधिकारी 10 से 15 गौवंश इनके घरों में बांधेंगे। गौ रक्षा समिति के पदाधिकारी ने यहाँ कुछ किसान नेताओं को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि समिति इन नेताओं के घरों में गौवंश इस तरह से बांधेगी कि आगे इनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी इन नेताओं की ही होगी। इसे लेकर लोगों की ओर से गौ रक्षा समिति की कमेटी का गठन किया गया। इसमें समिति के अध्यक्ष पद की कमान सुनील राणा को सौंपी गई, जिनकी अध्यक्षता में बाबू राम, रोशन लाल और कश्मीर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा गौ रक्षा समिति के सचिव जगदीश लाल व कोष अध्यक्ष किशन चंद को बनाया गया। इसके अतिरिक्त सदस्य में अरविंद चौधरी, मोहिंदर सिंह, आंचल सिंह, सुभाष चंद्र, विजय कुमार, संसार चंद्र, बीना देवी व मोहाली राम शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष सुनील राणा ने कहा कि कुछ छोटे मोटे नेता जो अपने आप को किसान बोल रहे हैं, वह इस गौशाला के खोलने के पक्ष में नहीं है और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज ये जो हमारी कमेटी का, इसका गौ रक्षा समिति का जो गठन हुआ है, इसका मेन केंद्र बिंदु एक ही रहेगा। ये हमारा केंद्र बिंदु ये है, जो हमारी यहाँ पे अद्वानी में गौशाला निर्मित है 30-32 लाख के पैसे, मेरे को पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं किस कितना अमाउंट है, तो उसको हमने जल्द से जल्द प्रशासन से चालू करवाना है। हमने आज से 10 या 3-4 दिन पहले भी सभी लोगों ने, को काफी तादाद में लोग थे, को 250-300 की संख्या में थे, हम SDM साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। तो अब ये हमारा यहाँ के निवासियों का, सभी का ये कहना है, यहाँ पे एक छोटे मोटे एक दो आदमी हैं जो अपने आप को किसान नेता बोल रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो हम उन किसान नेताओं को, हम तो उनको किसान नेता मानते नहीं, क्योंकि किसान नेता यहाँ खड़े हैं, जितने भी पब्लिक यहाँ पे एकत्रित है, ये सब कम से कम 10 करनाल 15 करनाल या इससे ज्यादा भूमि वाले हैं जो यहाँ की गाँवों से परेशान हैं। पर ये जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली सूचित करना चाहते हैं, अगर आप हमारे इसका बार बार विरोध करेंगे, तो हम सब जितनी भी निर्मित कमेटी है, हम इकट्ठे होकर 10-10, 15-15 गाय उनके घर में बांध के जाएंगे, और वो गाय हम इस हिसाब से बांधेंगे कि वो गाय फिर खुलनी नहीं चाहिए, वो उनकी जिम्मेवारी रहेगी जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये गौशाला नहीं खुलनी चाहिए। बस ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ आगे हम SDM, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया, 15 दिन के बाद मेरे से पता ले लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, 15 दिन के बाद मिलके अब देखते हैं आगे क्या, कहां तक बात चलती है। कहूंगा हम ये कमेटी के माध्यम से, अब इस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने विधायक महोदय को एक सूचना देना चाहता हूँ। महोदय साहब, आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप हमारे इस समर्थन में उतर जाएं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे, तो अगर आपको अगर विरोध भी करना है, तो खुल के सामने आ जाइए ताकि जनता आपसे बात कर ले।